आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों प्रणाम। आज हम बात करना चाहते हैं कोविड के बारे में कि महिलाओं के लिए यह ज़्यादा खतरनाक है और ख़ास करके उन महिलाओं के लिए जिनको पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम है। लेकिन मैं उसके बारे में बात करूं उससे पहले दो अचीवमेंट्स के बारे में बात करना चाहता हूं। पहला अचीवमेंट हमारा सरकार की तरफ से, जो हमारे सारे सेमिनार्स में हम जो कहते हैं वो हम कई बार सरकार को भी भेजते हैं और जो वीडियो हैं वो भी सरकार के सामने जाते हैं। तो पहली सफलता तो हमें उस समय मिली थी जब हम चेन्नई से सेमिनार करके और बेंगलोर आए थे, तो 24 सितंबर को भारत सरकार ने एक कार्रवाई की थी एसिडिटी की दवा के ऊपर। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने एसिडिटी की दवा रेनिटिडिन को लेकर के उस समय चेतावनी जारी करते हुए 24 सितंबर को कहा कि इससे कैंसर का खतरा है। जो मैं निरंतर कहता रहता हूँ कि जो एसिडिटी की गोली रेगुलर खाता है उसको ज़िंदगी में कभी न कभी कैंसर उसका दरवाज़ा खटखटाता है, और यही गोलियाँ किडनी को भी इफेक्ट करती है। दवा बनाने वाली कंपनियों को तुरंत इसका उत्पादन रोकने को कहा, खास करके रेड्डीज की जो दवाइयाँ आती है उस कंपनी को। डॉक्टरों को सलाह दी कि मरीजों को दवा न दें। भारतीय बाजार में रेनिटिडिन दवा जेंटेक के नाम से भी मिलती है। उस समय में बहुत स्पष्टता से ये कहा गया था कि ड्रग कंट्रोलर को इंडिया ने 24 सितंबर को पॉपुलर एंटी एसिडिटी दवा रेनिटिडिन पर सार्वजनिक स्वास्थ्य चेतावनी जारी की और कहा कि इसमें ऐसे रसायन पाए जाते हैं जिससे कैंसर हो सकता है। रेनिटिडिन सस्ते दाम में मिलने वाली एक बहुत पुरानी दवा है जिसका इस्तेमाल पेट से जुड़ी समस्या एसिडिटी को कम करने के लिए किया जाता है। कई अन्य देशों में ड्रग रेगुलेटर ने भी इस दवा में हानिकारक रसायन पाए और इसे अपने यहाँ प्रतिबंधित किया। इसकी पूरी विस्तार से खबर है उस समय में 25 सितंबर 2018 के, यदि आप न्यूज़पेपर्स देखेंगे और उस समय की वीडियो क्लिपिंग्स देखेंगे जो समाचार एजेंसियां हैं उनकी, तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। उसके बावजूद भी दुर्भाग्य ये है कि कई लोग आज भी एसिडिटी की गोलियां रेगुलर ले रहे हैं, जबकि एसिडिटी नेचुरली क्योरेबल है और हमने लोगों की एसिडिटी नेचुरली क्योर की है। कैंसर भी क्योर किए हैं तो एसिडिटी तो कोई खास बात नहीं है। एनीवे, आज एक और बड़ी खबर है आप लोगों के लिए कि हमने 16 मार्च को एक वीडियो जारी किया था कि बोतल बंद पानी खतरनाक है और पानी के नाम पर आप जहर पी रहे हैं। आज भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने बोतल बंद पानी और मिनरल वाटर विनिर्माताओं के लिए लाइसेंस हासिल करने या पंजीकरण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो BIS का प्रमाणन अनिवार्य कर दिया है। सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के खाद्य आयुक्तों को भेजे पत्र में FSSAI ने यह निर्देश दिया है और यह निर्देश 1 अप्रैल 2021 से ही लागू हो जाएगा। ये जो 1 अप्रैल आ रही है इससे बोतल बंद पानी पर जो है वो उसका प्रमाणीकरण आवश्यक है भारतीय मानक ब्यूरो का। उसके बिना कोई भी वो पानी नहीं बेच सकता और बेचेगा तो वो गैरकानूनी होगा और उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई, जिसमें उसको लंबे कारावास की और कठोर कारावास तक की भी सजा हो सकती है, उसके प्रावधान हैं। FSSAI ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2008 के तहत सभी खाद्य कारोबार परिचालकों FBOs के लिए किसी खाद्य कारोबार को शुरू करने से पहले लाइसेंस पंजीकरण हासिल करना अनिवार्य होगा। नियामक ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा और मानक प्रतिबंध एवं बिक्री पर अंकुश नियमन 2011 के तहत कोई भी व्यक्ति BIS
प्रमाणन चिन्ह के बाद ही बोतलबंद पेयजल या मिनरल वाटर की बिक्री कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। रिन्यूअल के लिए भी अनिवार्य होगा BIS लाइसेंस। पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर और मिनरल वाटर बनाने वाली कई कंपनियां जो है FSSAI के लाइसेंस पर काम कर रही है, लेकिन उनके पास BIS सर्टिफिकेशन मार्क नहीं है। तो इसे देखते हुए FSSAI ने के लाइसेंस के लिए BIS लाइसेंस या इसके लिए आवेदन को अनिवार्य बना दिया गया है, और लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए भी BIS लाइसेंस अनिवार्य होगा। तो ये एक दूसरा अचीवमेंट है। ऐसे बाकी जो जनरल अचीवमेंट होते हैं कि इनका कैंसर ठीक कर दिया, इनकी किडनियाँ ठीक कर दी, ये तो सैकड़ों की संख्या में है, इसलिए मैं इनके ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ। जो सरकारी कार्रवाइयाँ हुई है हमारे दो वीडियोस पर या दो मुद्दों पर, बोतलबंद पानी के ऊपर और जो एसिडिटी की गोली खाते हैं उसके ऊपर, तो उसके लिए एसिडिटी वाले पे तो बहुत लंबा संघर्ष किया, बहुत लंबे टाइम तक मामला चला है भारत सरकार में। और उस क्योंकि दवा कंपनियों पर किसी भी प्रकार की रोक लगवाना इतना आसान काम नहीं है, ये तो बहुत शेर के मुंह से निवाला छीनने जैसा है। तो लेकिन देवगुरु धर्म की कृपा से ये एक सफलता मिली है। और बोतलबंद पानी तो बहुत जहरीला है और बहुत हानिकारक है, और उसके ऊपर भी तुरंत कार्रवाई हुई है। इसके लिए आप सब लोगों का सहयोग मिला मुझे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने सरकार की तरफ से भी मुझे सहयोग किया, आगे से आगे मेरी चीज़ों को बढ़ाया, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहरहाल हम आज बात करना चाहते थे कोविड का जो नया स्ट्रेन आया है, ये बेहद खतरनाक है और बहुत तेज़ी से फैल रहा है। आंकड़े चाहे सरकार कुछ भी बताए छिपाए, मुझे उस पचड़े में नहीं जाना है। मैं सीधा सीधा ये कहना चाहता हूँ कि ये महिलाओं के लिए ये जो नया स्ट्रेन आया है बहुत खतरनाक है। 2019 के अंत से शुरू हुई कोरोना महामारी अब तक लाखों लोगों की मौत की नींद सुला चुकी है। इस वायरस की चपेट में अब तक करोड़ों लोग आ चुके हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस वायरस से बचने के लिए कुछ वैक्सीन्स भी तैयार की, लेकिन अब इस वायरस का नया स्ट्रेन आ गया है, इसके ऊपर वो कितनी कारगर होगी वैक्सीन कहा नहीं जा सकता। जिस पर वैक्सीन कितनी कारगर है ये कहना मुश्किल है। कोरोना के इस नए स्ट्रेन से बुजुर्ग, बच्चे एवं युवा सभी को खतरा है। ऐसे में उन लोगों को अधिक सावधानी बरतने की ज़रूरत है जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, या फिर जो किडनी या हृदय रोग से संबंधित जो बीमारियां हैं उनसे पीड़ित हैं, कैंसर है उनसे पीड़ित हैं। पर सबसे ज़्यादा खतरा अगर इस ट्रेन से किसी को है तो वह है महिलाएं। अभी हाल ही में बर्मिंगम विश्वविद्यालय के नेतृत्व में हुई एक रिसर्च में बताया गया है कि कोरोना से उन महिलाओं को अधिक खतरा है जिन्हें PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की समस्या पहले से है। आपको बता दें कि यह महिलाओं में होने वाली हार्मोन से जुड़ी समस्या है। सामान्य महिलाओं के मुकाबले इस समस्या से जूझने वाली महिलाओं के कोरोना की चपेट में आने के 50% से ज़्यादा अधिक चांसेस हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एक हार्मोन से जुड़ी समस्या है। PCOS प्रजनन की उम्र में बहुत सी महिलाओं को होती है। इसमें महिलाओं की ओवरी में अंदर गांठ या सिस्ट बन जाती है। यह पीरियड और गर्भावस्था में भी परेशानी उत्पन्न कर सकती है। PCOS के कुछ लक्षण भी हैं जैसे कि मोटापा बढ़ना, बालों का झड़ना, पीरियड्स का समय पर ना होना और पिंपल्स आदि, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं। और ये सब क्योरेबल हैं, है ना। मैं किसी तरह से आपको डराना नहीं चाहता, और ख़ास करके बहनों को डराने का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि बहनें तो पूरे के पूरे परिवार की धुरी होती है, उनसे सारा चल रहा है मामला। बीते कुछ समय से PCOS की समस्या महिलाओं में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और उसके कारण हैं फास्ट फूड, जंक फूड, खान पान की अव्यवस्थाएँ, बहुत सारी कारण हैं उसके। हाल ही में सामने आई रिपोर्ट से पता चला है कि हर 5 में से एक महिला इस समस्या का शिकार हो चुकी है। भारत में यह समस्या बहुत सी महिलाओं में देखने को मिलती है। ऐसी महिलाओं को 51% तक कोरोना होने के चांसेस ज़्यादा हो गए हैं अब ये जो नया स्ट्रेन आया है उसके कारण।
कोरोना वायरस की गंभीरता से तो हम सभी परिचित हैं। इस वायरस की वजह से दुनिया भर में लोग अपने घरों में ही कैद रहने को मजबूर हो गए थे। वहीं पीसीओएस से पीड़ित महिलाओं को लेकर हुई रिसर्च ने तो महिलाओं को और भी ज़्यादा डरा दिया है। इस रिसर्च के अंदर 21,292 ऐसी महिलाओं को लिया गया जिन्हें पीसीओएस की समस्या है। वहीं 78,310 ऐसी महिलाओं को लिया गया जिन्हें पीसीओएस नहीं था। यह रिसर्च 6 महीने तक चली है और इसमें पाया गया है कि पीसीओएस से पीड़ित महिलाओं के कोरोना पॉजिटिव होने के 51% चांसेस ज़्यादा होते हैं। काफ़ी मेहनत की गई है इसमें, काफ़ी बड़ी रिसर्च है, काफ़ी बड़ा सैंपल लिया गया है इसमें। यूं तो कोरोना सभी के लिए एक खतरनाक बीमारी है और कोई भी इसकी चपेट में आ सकता है, लेकिन पीसीओएस से पीड़ित महिलाएं अगर इस वायरस के संपर्क में आती हैं तो इसके चांस 51% से भी अधिक है कि वह कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगी। वहीं अगर अन्य रिसर्च की माने तो वह बताती हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़, नॉन फैटी लिवर एसिड और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहे व्यक्ति को यह वायरस अपनी गिरफ्त में ले सकता है। इसके 26% चांसेस हैं, जबकि पीसीओएस से पीड़ित महिलाओं के चांसेस 51% तक हैं। पीसीओएस की समस्या से जूझने वाली महिलाओं के लिए कोरोना पॉजिटिव होने के लिए अनुमान इसलिए भी अधिक हैं क्योंकि इस समस्या के कारण टाइप 2 डायबिटीज़, लीवर से जुड़ी समस्या और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या भी शरीर में पैदा हो सकती है। जिनको पीसीओएस है, पीसीओडी है, उनको जो है लीवर से जुड़ी समस्या, डायबिटीज़ टाइप 2 और हाई ब्लड प्रेशर वगैरह, ये सारी चीज़ें जल्दी पैदा हो सकती हैं, इसलिए बहुत सावधानी की ज़रूरत है। पीसीओएस पर हुई रिसर्च को लेकर विशेषज्ञों ने यह साफ कर दिया है कि इस समस्या से पीड़ित महिलाओं को कोरोना होने के चांस अधिक हैं। महिलाओं को इस रिसर्च को गंभीरता से समझना चाहिए एवं कोविड से बचे रहने के लिए खुद का ख्याल भी रखना चाहिए और ज़रूरी कदम उठाने चाहिए। कोविड से बचने के लिए, कोरोना से बचने के लिए हमने कई वीडियोज़ जारी किए हैं, तो आप पिछला वीडियो देखें, हमने सारा उपचार बता रखा है। इसके बावजूद भी कोई व्यक्तिगत रूप से परामर्श चाहे, वीडियो से काउंसलिंग चाहें, तो वो भी हम सेवाएं देना शुरू कर दिया है हमने। तो उसके लिए आपको हमारा जो व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप नंबर 9414736860, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप पहले नाम और आपका शहर लिख करके हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा और उसके बाद में हम जो समय बताएंगे उस समय पे आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात हो सकेगी। धन्यवाद। आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और यदि आपको लगता है कि अन्य लोगों के लिए भी लाभकारी है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और करवाएँ और उन लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।